हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि के लिए स्पेशल खीर और मालपुड़े। तो फिर मालपुड़े के लिए हमने लिया है आटा, मतलब गेहूं का आटा और चावल के आटे का मिक्स करके उसका बैटर बना लेना है अच्छे से। और उसमें डालो आप शक्कर और इलायची पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स कर लो। फिर इस तरह से तवे पे तेल लगा के उसे फैला लो अच्छे से, बैटर को डाल के अच्छे से फैला लो, देखिए इस तरह से। फिर इसे पकने दीजिए अच्छी तरह से एक साइड से। पहले गैस आपकी मीडियम होनी चाहिए, देखिए एक साइड से पक चुका है। अभी हम इसको पलट लेंगे और ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है, इसका कलर देखिए। अब हम चढ़ा देते हैं खीर। ये हमने ले लिया बर्तन और चावल को हमने 30 मिनट तक भिगो के रखा था पानी में, फिर उसको मिक्सर में पीस लिया। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। फिर इसमें डाल दिया दूध और ये देखिए हमारी खीर बन के तैयार है। कलर मस्त आया है ना। ड्राई फ्रूट्स डाले हैं हमने इसमें, बादाम, किशमिश और गरी, सूखे गोला कहते हैं जिसे। चलिए अब मम्मी बताएंगी टेस्ट करके कि कैसा बना है। ये लिया मालपुड़ा और उसको डुबोया खीर में। ये देखिए खीर तो वाकई बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम मलाईदार। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नवरात्रा स्पेशल रेसिपी।